गुरु। गुरु नानक देव महाराज का कथन है, गुरु तो बिना गति नहीं। तो गुरु नानक देव महाराज ने बाणी च लिखिया, बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विच आप परखियन कर प्रगट अपसनाया। गुरु नानक देव महाराज का कथन कि बिना गुरु संत तो बिना ना परमात्मा किसी ने पाया और ना ही पा सकते। थोड़ा अगे चल रहे गुरु अंगद देव महाराज दूसरे गुरु, उन्होंने लिखा, जिसो चंदा उगवे सुर चढ़े हजार, इतने चन हुंदिया गुरबिंद कोरवादार। जे सौ, हालांकि रात को एक चंद्रमा चढ़ता है, तो रात को कीड़ी चलती भी दिखाई देती है। तो बाणी कहती है, जे सौ चंद्रमा होवे सुर चढ़े हजार, एक सूरज की प्रकाश गर्मी साढ़े पासों चली नहीं जाती। सौ चंद्रमा होवे हजार सूरज होवे, इतने चन हुंदिया गुरु बिन कोर अंधार है। मनुख गुरु तो बिना संत तो बिना अंधेरा। तीसरे गुरु अमरदास महाराज, गुरु प्रसादी पूजिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानक एह निंदर अंत से सतगुरु मिलिए दिव दिव। गुरु अमरदास महाराज के जीवन च कोई गुरु नहीं सी, गुरु अमरदास महाराज गुरु के पास गए। चौथे गुरु गुरु रामदास महाराज, वो भी लिखते हैं, बिन गुरु कोर अंधार, बिना गुरु समझ ना आवे। गुरु तो बिना कोर अंधकार है मनुख। आप कहते ना किसी वेले, अज इना अंधकार है हाथ में हाथ नहीं दिखाई देता। बाणी कहती गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिना समझ ना आवे, गुरु तो बिना समझ नहीं लगेगी। ये सुख मिलेगा किस तरह, ये मन टिकेगा किस तरह, गुरु तो बिना। गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, इहदा अर्थ है कि साडी सुरती उल्टी है, संसार वाल है, करतार वाल है। गुरु तो बिना सुरती भी सिद्धि नहीं होती, गुरु बिना मुक्त नहीं, गुरु तो बिना मुक्ति नहीं। अज संसार की रीत है, सारी उम्र माड़े कर्म किए, अंतम अरदास की कि हे परमात्मा चरणा दिन नहीं। गुरु संत तो बिना नहीं है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी पंजवें गुरु, उन्होंने भी लिखा, मत को परम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना पुत्र पार। इस संसार के लोगों किसी भरम के मत रहना, गुरु संत तो बिना गति नहीं, कल्याण नहीं। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, उन्होंने भी लिखिया, हालांकि कितनी पावन बाणी उन्होंने, जिस दे विच उन्होंने लिखा, दुख भोग तिनको रहे लागी, संत सेवते जो है त्यागी, जगत विखे कोई कामना सरही, अंत कुंड नरक ही मर। जिन्ना लोगों के जीवन च कोई संत नहीं है, जो लोग त्यागी ने संत दे, कहिंदे उन्हां नूं दुख भोग तिनको रहे लागे, दुख और भोग उन्हां नूं लगे रहणगे, जगत विखे कोई कामना सरही, संसार दे विच उन्हां दा काम नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग कहिंदे ने, नहीं असीं संत नूं नहीं मानदे, असीं तां बाणी नूं मानदे हां, असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मानदे। ओह भाई, असीं भी मानदे, हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ही संत दी महिमा गाउंदा है। श्री सुखमनी साहब कितने ध्यान दे नाल पढ़ना, गुरमुख प्यारे ध्यान दे नाल। श्री सुखमनी साहब दे विच संत दी गल है, ब्रह्म ज्ञानी दी गल है, नाम दी गल है। श्री सुखमनी साहब, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमे शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक कांके बल बल जासा। किन्ना महान विचारे, जे को जन्म मरण ते डरे, थोड़ा विचार कर, ये जन्म और मरण का दुख बड़ा भयानक है। जन्म और मरण का दुख, संत लिखते ने, मृत्यु समय पीड़ा हुए अपार, बिच्छू एक हजार जो डंक मारे एक बार, एक बिच्छू लड़ जावे शरीर के ऊपर जान कट दिंदा है। पर मौत दे समय इन्नी पीड़ा होंदी है, जिस तरह एक हजार बिच्छू कित एक वारी आण के डंक मारे। तां गुरु साहिब कहते ने, जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी परे। संत शरण जो जन परे, सो जन उदर न हार, संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार। मनुख गलती कर लवे परमात्मा माफ करेगा, पर संत दी निंदा नहीं। संत का नंदक महा हत्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, परमात्मा खुद मारता है जो संता दी निंदा करता है। निंदा करनी तो दूर दी गल, छोटा जा बचा।
बाणी का एक कथन है, संतन सेती मस्करी कुल डूबन की रीत। निंदा का दूर दी गल है, जेकर मनुख संतन को टीचर कोई मजाक भी कर दे वो भाई कुल डूब जाते। दरवासा ऋषि उन मजाक किया, जादव कुल का नाश हो। अजय राजे ने संतान की झोली के लिद पाती, उसनू लिद खानी पई। अजय सरोए पिख्या खाए, ऐसी दरगे मेरे सजाए सजा मिल दी। संत की महिमा अनंत है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्होंने महान गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जन देव महाराज जी छोटे सन, खेडते खेडते गुरु अमरदास महाराज के सिंघासन के उपर बैठन लगे। तो बीबी भानी जी उठा लेंदी है, खबरदार ये गुरु का सिंघासन है। तो उत्थे गुरु अमरदास महाराज जी आते ने, वर देंदे ने, कहिंदे बेटी ये दोता पानी का बोता, ये पानी का जहाज बनेगा गुरु अर्जन देव महाराज जी। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। 1430 अंक ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, छह गुरुआ की बाणी है, 11 पट्टा की बाणी है, 15 पक्तों की बाणी है, 4 गुरु सिखा की बाणी है। गुरु अर्जन देव महाराज ने रचना की। गुरु अर्जन देव महाराज ने अपनी रचना, रचना मीनिंग अपनी जीवा तो, गुरु अर्जन देव महाराज ने संत की महिमा गाई। धन है गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्होंने संत की महिमा गाई। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट स्थानी, संत हमारा गहना। एक औरत का श्रृंगार गहना है, एक बहू का श्रृंगार गहना है, एक बेटी का श्रृंगार गहना है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पाई, तो संत मेरा गहना है। असं क्यों नहीं मनते, मनना पवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते भाई संत मेरा गहना है। अच लोग एक सवाल खड़ा करते हैं, जेकर संत की गल करते हो संसार च बड़े संत ने, यह गल आपकी 16 आने सच्ची है। इतिहास दसता है कि मक्खन शाह लवाना सौदागर से, जहाज डुबन लगा, अरदास की जहाज पार हो गया। 500 मोर लैके मक्खन शाह लवाना जो बाबा बकाला साहब के आए, तो मक्खन शाह लवाने देखा उ एक नहीं भाई मंजिया, भाई गुरु बैठे सन, भाई संत। तो मक्खन शाह लवाना हैरान सी कि 500 किनू देवगा। व्यापारी सी, व्यापारियों का दिमाग बड़ा होता है। परमात्मा ने कृपा की, दिमाग ने कम किया। मक्खन शाह लवाने ने 5-5 रखिया, मत्था टेकिया और बाइया के कोई ना बोलिया। तो मक्खन शाह लवाने ने किसी ने पूछा, भाई इतने होर भी कोई संत है? तो किसी ने दसिया तेगा कमला भोरे च बैठा। हालांकि दुनिया कमली सी, संत महापुरुष तो कमलिया तो सियाने कर आते हैं। हालांकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी 20 साल परमेश्वर के ध्यान च बैठे रहे, उन्होंने संसार नहीं सी देखिया। लोग अखी वेखना रजिया बहु रंग तमाशे, लोग संसार नू देख के नहीं रजते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी 20 साल परमेश्वर के ध्यान दे विच बैठे रहे, पर दुनिया ने कमला। मक्खन शाह लवाने नू कहंदे इक भोरे च बैठा है। मक्खन शाह लवाना चला गया, 5 मोरा रहियां, मत्था टेकिया और मत्था टेक के मक्खन शाह लवाना उठन लगा। तो गुरु साहब मक्खन शाह लवाने नू कहंदे भाई तेरा जहाज असी पाता गया, 500 सुख की 5 दे रहा है, तेरा जहाज असी पार लगाया है, देख तेरे जहाज देखे दे लगे ने। तो बड़े लोग कहते ने मक्खन शाह लवाना मन गया। अधूरे कथा वाच के ते कथा नू खत्म कर देंगे ने, हाला कथा खत्म नहीं होंगी। गुरु तेग बहादुर मक्खन शाह लवाने नू कहंदे भाई तेरा जहाज असी पार लगाया है, देख तेरे जहाज दे किल लगे ने, देख। दूजा वचन करते ने तू देखना चाहता है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी मक्खन शाह लवाने के सिर ते हाथ रखते हैं। बाणी च लिखिया गुरु मिले ताके खुले कपाट, बोहड़ ना आवे जोगी बाट, कपाट अंदर का दरवाजा। और मक्खन शाह लवाना इस शरीर दे विच देखदा है, उही जहाज उही सागर ते जो सामने बैठे ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी पार लगा रहे हैं। मक्खन शाह लवाणी ने अंदर देखिया, बाणी कहती है जो ब्रह्मंडे सोही पिंडे, बाणी इस शरीर नू पिंड कहती है। असी गली मोहल्ले नू पिंड कहते हैं, बाणी इस शरीर नू हरी मंदिर कहती है, बाणी इस शरीर नू घर कहती है।
जोबर मंडी सोही पिंडे जो खोजे सो पाहे मक्खन शाह लबाणे ने अंदर देख देख के चरण पकड़ ले पातशाह तुसी तां पूर्ण हो पर दुनिया आपनु कमला कहती है मैं रौला पावांगा। मक्खन शाह लबाणा कुठ दे उपर चढ़ के तीन बार उसने पल्ला फेर दिता गुरु लादो रे गुरु लादो रे गुरु लादो रे जिहदा अर्थ सी मैनू पूरा लभ गया। लोगों ने सतनु स्वीकार नहीं किया नहीं गुरु तेग बहादुर महाराज उपर गोली चलाई क्यों हर समय दे विच हुंदा है अज दे समय की गल नहीं सतनु कुछ लोग स्वीकार करते हैं। अज एक सवाल है मक्खन शाह लबाणे दे समय बाई सी अज हिंदुस्तान च बाई लख मक्खन शाह लबाणे ने पंज पंज रंग की खोज की तुसी किस तरह करोगे खोज करनी है ते बाणी खोज दसनी है। बाणी दे विच लिखा है कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पे आप बचाई दर्शन हर दिक मिटे कोई कंडीशन नहीं है कोई अर्थ की साडा काम होना चाहिए कोई करे सानू पैसे मिलने चाहिए कोई दे दे बाणी कहिंदे कोई आन मलावे अजे मिले नहीं हां जेकर मिले होंदे तां मन नूं शांति हुंदी घर दे विच नौ नदियां बारह सिद्धियां हुंदियां अठारह सिद्धियां हुंदियां। बाणी कहिंदी है अपन लिया जे मिले विछड़ को रवाना साधु संग प्राप्त नानक रंग मानना कोई आन मलावे कोई कंडीशन नहीं है। हालांकि बड़े लोग कंडीशन लगाते मैं सरदार हाँ कोई मेरे जैसा संत होना चाहिए मैं हिंदू हाँ कोई मेरे जैसा हो मैं जैनी हाँ मैं बोधी हाँ कोई मेरे जैसा हो नहीं। हालांकि गुरु नानक देव महाराज जी पाकिस्तान के राय भोज की तलवंडी जिला सिखुपुर पाकिस्तान के जन्म होया गुरु अंगद देव महाराज जी मुक्तसर के और गुरु अमरदास महाराज जी अमृतसर दे ने और गुरु रामदास महाराज जी और लाहौर दे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म पटना का है बिहार का है। बाणी कहिंदी है कोई आन मलावे कोई कंडीशन नहीं है मिला दे। हालांकि हरकृष्ण साहब महाराज जी अठ साल की उम्र च पूर्ण सन दिल्ली नूं जा रहे सन अंबाला शहर उहदे पास एक पिंड पैंदा सी पंजो खेड़ा गुरु साहब थोड़े समय लिए रुके उत्थे थोड़े समय लिए तो उत्थे पंडित लोगों का बड़ा गढ़ से पंडित लोगों ने एक आवाज उठाई नाम का हर कृष्ण रख लिया और कृष्ण ने गीता की रचना की सी अर्थ करके दिखावे फिर मन दे तो गुरु साहब ने कहा भाई जेकर मैं अर्थ कर भी दिते तुसी फिर भी नहीं मनना जाओ किसी नूं लै आओ तो वह पंडित लोगों ने सज्जू चीवर नूं लिया के खड़ा कर दिता तो गुरु हरे कृष्ण साहब महाराज जी अठ साल की उम्र पूर्ण सन उन्होंने हाथ भी नहीं रखिया सोटी चक के सिर ते लगाई उहदे कोल अर्थ करवा दिते वो पंडित लोगों को मनना पाया कि हाँ अठ साल की उम्र कोई आन मलावे कोई कंडीशन नहीं है कोई मिला दो। हालांकि मिलना कठिन नहीं परमात्मा अंदर है जिहड़े सज्जन बाणी पढ़ते ना मेरी मातावां भैणा मेरे बुजुर्ग समझणगे बाणी च लिखा है नौ दरवाजे काया कूट है दसवें गुप्त तरकीजे बजर कपाट ना खुलनी गुरु शब्द खुले मनुख के नौ दरवाजे खुले ने दो अखा है दो कन है दो नासिका है एक मुख है दो इंद्रिया है दसवां दरवाजा जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खंडा लगाने दो तलवारा है एक खंडा है क्यों लगाया कुछ है। अक्सर बहुत सारे लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं मंदिर जाते हैं उसे जोत जाते हैं तो बहुत सारे लोग उस जोत के हाथ फेर के ऐसा क्यों करते हैं अपने आप ही अखा बंद हो जाते हैं किसी को कहने की लोड़ नहीं तुसी अखा बंद कर लियो अपने आप ही बंद हो जाती है इसका भाव कुछ है। बाणी कहती है जो महा उद्यान में मार्ग पावे तो साधु संगल जोत प्रगटावे वो जोत को प्रकट कर दे। सो आओ अखीर दी पंक्तियां गुरु साहब